दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हाय गाइस, आज मैं फिर से अपने उन दोस्तों की समस्याएं सुलझाने और समाधान निकालने के लिए आप लोगों के साथ हूं जो मेरे दोस्त बेहतरीन बॉडी तो बनाना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से जिम नहीं जा पाते हैं। और उसी कड़ी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें कि आप बेहतरीन चेस्ट कैसे बनाएं। तो गाइज, मेरे वीडियो को बहुत बढ़िया चेस्ट बनाने के लिए शुरू से लेकर के आखिर तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें केवल एक्सरसाइज ही नहीं बता रखी है, आपको उन एक्सरसाइजेज को कैसे बहुत बेहतरीन फॉर्म में करना है और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप एक सुंदर बॉडी की चाह रखते हैं। तो उस फॉर्म को, क्योंकि फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गोइंग टू बिल्ड योर बॉडी इन वेल डेफिनेशन और कार्ड शेप। तो गाइस, बेहतरीन बॉडी चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए ध्यान से। ये देख रहे हैं आप, ये पुशअप्स हैं और इन्हें हम नॉर्मल या फ्लैट सरफेस पे फ्लैट डिप्स भी कह सकते हैं, लेकिन आप लोग जब भी करते हैं इसे तो ध्यान नहीं रखते हैं कि फॉर्म क्या होनी चाहिए। गाइस देखिए, आपके चेस्ट की किस लाइन पर, किस जगह पर आपके हाथ नीचे जमीन पर हैं, फर्श पर हैं, और कोहनी आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, और कितना आप नीचे तक डिप कर रहे हैं और किस मूवमेंट के साथ आप ऊपर जा रहे हैं, फोकस करके देखिएगा, ध्यान से भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आप बॉडी को डेफिनेशन में बिल्ड करना चाहते हैं। जब नीचे की ओर आ रहे हैं नेगेटिव फेज में तब भी उस पर वेट होना चाहिए, और जब ऊपर जा रहे हैं तब भी चेस्ट पर वेट हो। सेज माय लिटिल क्यूट एंजल, माय बेटी, माय लव। और जब मुझे वेट बढ़ाना था तो मैंने बेटी को बुलाया और इसको यहाँ पर ऐसे बिठा के, तो लेकिन आपको जब वेट बढ़ाना हो और आपको लगता है कि इससे कम वेट लेना है तो आप घर पर किसी ऑब्जेक्ट को यूज करके उसे इस जगह पर अपने बैक पर रख सकते हैं और डिप्स ले सकते हैं। लेकिन कितना भी वेट लें, फॉर्म आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। देखिए कितने प्यार से, इतने ही प्यार से आपने पुशअप्स लेने, तभी जाके उस मसल पे वेट आएगा सीधा सीधा, वो मसल डायरेक्टली हिट होगी, तभी तो बॉडी बनेगी रे भाई। शाबाश, पूरी बॉडी देखो एक साथ जाएगी अलाइन में, अलाइनमेंट पूरा बॉडी एक साथ अलाइन होनी है और सीधे सीधे जानी है, सीधे सीधे ऊपर आनी है। ये मेरा बेटा है, इज माय लव, माय हार्ट। मुझे वेट बढ़ाना था तो फिर इसका वेट बेटी से ज़्यादा है तो मैंने इसको यहाँ पे बैठा लिया, और आप जब वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप उससे कोई और भारी ऑब्जेक्ट जो भी अवेलेबल है आपके घर पे उसको यूज कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं ये इंक्लाइन पुशअप्स, इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके पैर हैं उनको आप किसी ऊंचाई वाली जगह पे रख सकते हैं घर पे, कहीं भी कोई ऐसी जगह होने पर, और हाथ आपके नीचे फर्श पर हैं, और डिप्स का वही पोजिशन होनी है जो आप नॉर्मल फ्लैट पुशअप्स में कर रहे थे। पूरी बॉडी एक साथ अलाइन होगी, धीरे धीरे नीचे जाएगी, धीरे धीरे ऊपर आएगी, नीचे जाते समय चेस्ट एक्सपेंड होगी और ऊपर जाते समय कॉन्ट्रैक्ट होगी। फोकस पूरा चेस्ट पर होना चाहिए, चाहे नेगेटिव फेज हो चाहे पॉजिटिव फेज, वेट उसमें ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर भी आपको जब वेट बढ़ाना है तो आप ऐसे वेट बढ़ा सकते हैं। हाँ, मस्ती कर रही है कितना, ये तो गाना भी गा रही है। तो आप गाइस जैसे ही खूब मस्ती करते हुए अपनी चेस्ट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन देखिए मूवमेंट इतने प्यार से होना चाहिए, बॉडी प्यार से बनती है, चाहे आप वेट ज़्यादा लें चाहे आप वेट कम लें। अच्छी रैप रेंज के संग वेट लगाते हुए प्रॉपर फॉर्म के साथ, ये और वेट बढ़ाना है तो मैंने वही चीज़ आपको जो बताया उस तरीके से आप ले सकते हैं, और अपने चेस्ट को और लोड दे करके उसको और ग्रोथ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं और वैरायटी देने के लिए, ये सिंगल हैंड पुशअप्स। देखिए पोजीशन कैसे करनी है, दोनों पैर ज़मीन पे हैं और एक हाथ से आप पुशअप्स ले रहे हैं, एक हाथ आपने बैक की ओर ले रखा है, चेस्ट नीचे तक लेकर के जानी है, फिर हाथ आप चेंज करके दूसरे हाथ से भी सेम उसी वे में, ये देखिए चेस्ट ज़मीन तक लेकर के आना है, और आपकी नोज वाला पार्ट, चिन वाला पार्ट भी ज़मीन की ओर आ रहा है, और पूरी बॉडी एक साथ नीचे आ रही है और फिर एक साथ ही ऊपर जा रही है, चेस्ट पर फोकस, वेट चेस्ट पे।
अनदर एक्सरसाइज गाइज, ये चेस्ट एक्सपेंडर है, मात्र 450 रुपये मुझे मार्केट में मिल गया था, और केवल 450 रुपये आप बेहतरीन बॉडी बना सकते हैं। देखिए दोनों ग्रिप को आपने ऐसे हाथों से ग्रिप करके चेस्ट को एक्सपेंड करना है, वेट चेस्ट पे होना है, धीरे धीरे उसे लेकर के आना है, जोर से नहीं, ध्यान रखिएगा धीरे धीरे लेकर के आना है, पूरी चेस्ट एक्सपेंड करिए, अब वेट चेस्ट पे लेते हुए ही वापस आइए, धीरे धीरे धीरे, शाबाश। ये हम जो रेजिस्टेंस बैंड को यूज कर रहे हैं गाइस, ये जो आप मेरे पास रेजिस्टेंस बैंड देख रहे हैं, मार्केट में मात्र 550 रुपये में मुझे मिल गया था, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस के अलग अलग प्राइस के, 300 रुपये से लेकर के 700 से 800 रुपये तक की प्राइस के रेजिस्टेंस बैंड मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप एक बार ख़रीदेंगे और कई सालों तक, कई समय तक आप इसे अपनी बॉडी बनाते रहेंगे। देखिए इसमें आप फ्लैट जो हैं ज़मीन पर लेट गए हैं, और कैसे पोजीशन कर रखी है आपने, रेजिस्टेंस बैंड को बैक की ओर लपेट लिया है, और फिर उसे सामने ऐसे ग्रिप करके धीरे धीरे चेस्ट को फोकस करते हुए, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आप ऊपर को ला रहे हैं और फ्लाई ले रहे हैं। ये फ्लैट फ्लाई है जो आपकी चेस्ट को प्रॉपर शेप देगी, उसकी आउटलाइंस को बनाएगी, फॉर्म करेगी, फोकस चेस्ट पर होना है रे भाई, पूरा का पूरा, तभी तो बिल्ड होगी चेस्ट। और आप इसमें देख रहे हैं कि ग्रिप को ग्रिप नहीं किया हुआ, क्योंकि ग्रिप को ग्रिप करने पर क्या था कि जो रेजिस्टेंस बैंड है उसकी रेजिस्टेंस कम हो जा रही थी, तो आपने इसकी ग्रिप ऐसे करनी है, और आपको और रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो और नीचे से ग्रिप कर सकते हैं उसको, तो देखिएगा कि कितने रेजिस्टेंस की आपको आवश्यकता हो रही है, कितना आप ले सकते हैं, और चेस्ट को फेल करना है, फोकस करते हुए फेल करना है, और तुरंत आप इसके ही साथ बैक टू बैक पुशअप्स भी ले सकते हैं। ये देखिए तुरंत बैक टू बैक आप पुशअप्स लीजिए, और चेस्ट को एक स्टेप ज़्यादा फेल करिए, फिर देखिए उसमें एक अलग प्रकार का पंप रहेगा और अलग प्रकार के डेफिनेशन। ये हम फ्लाई कर रहे हैं रेजिस्टेंस बैंड का यूज करते हुए, घर पे आपके देखिए मैंने तो इसे दरवाजे पर, दरवाजे का जो हैंडल है उस पर इसको लगाया हुआ, और आप पीछे देख रहे होंगे उसमें एक मेरा हैंड टॉवल भी लगा हुआ है, वो मैंने इसे लगाया क्योंकि तीखा सा हैंडल था जिससे कि ये रबर इसका बैंड का जल्दी से कट ना जाए, तो आप इस प्रकार से कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं जिससे वो कटे ना। फिर आप उसको लेकर के ऐसे पोजिशन कर लेंगे, पोजीशन करने के बाद धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे ग्रिप करने का, धीरे धीरे मूवमेंट, लेकिन फोकस आपका चेस्ट पे होने की ज़रूरत है, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल माइंड कनेक्शन रखना है, शाबाश, पंप आना चाहिए रे भाई, बेहतरीन, शाबाश शाबाश शाबाश, टाइट करके लेके जाना है, ये देखिए बहुत प्यारा। उसी रेजिस्टेंस बैंड को यूज करते हुए हम, जैसे आपने जिम में देखा होगा कि केबल क्रॉस ओवर में जब हम करते हैं केबल क्रॉस एक्सरसाइज को, तो सेम उसी तरीके का एंगल आपका ये लोअर चेस्ट को हिट करेगा, ऊपर आपने कहीं पर फिक्स करना है, ये आपका हैंडल अगर ऊपर और ऊंचा भी होगा तो आप उसको स्टैंडिंग ले सकते हैं, ये हैंडल नीचे था तो इसको हम सिटिंग वे में ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको नील डाउन करके इसको ले रहा हूँ, नीज मेरी फर्श पे हैं, और थोड़ा सा बॉडी को आपने देखिए एक एंगल देना है, और चेस्ट पे फोकस करते हुए नीचे की ओर हाथों को लाते हुए ग्रिप करते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब ऊपर को जा रही है तो एक्सपेंड करना है, और उसे फील भी करना है, बिना फील के गाइस कुछ भी नहीं हो सकता है, और इतना ईजीली आप घर पर इतनी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं और बॉडी बना सकते हैं, देखिए है ना बहुत आसान सी चीज़। ये भी एक फ्लाई है जिसमें आपने जो नीचे आप देख रहे हैं बैंड, बैंड को पैरों के नीचे दबा रखा है, और आपने पैरों के नीचे खास एड़ी वाली लाइन के नीचे उसको दबा रखा है, और दोनों हाथों से ग्रिप करते हुए चेस्ट पर फोकस करते हुए लेकर के जा रहे हैं, शाबाश। देखिए कहीं पर भी वेट मसल से नहीं हट रहा है, एक वेट एक ही मूवमेंट में आप पूरा का पूरा कर रहे हैं, देखिए कहीं पर भी कोई ब्रेक है नहीं, तो यही तो गाइस ध्यान रखना, यही तो बात मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ,
गाइज घर में ही रखे इतनी वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज, डेफिनेटली आप ब्लास्ट कर सकते हैं अपनी चेस को घर पे ही रह करके। अगर आप इन सब को फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतरीन चेस आप बना सकते हैं। शाबाश। तो गाइज क्या आपने जो जो बातें मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताई थी उनका ध्यान रखा? क्या आपने एक एक एक्सरसाइज को, उसकी एक एक फॉर्म को बहुत कीनली, उत्सुकतापूर्वक और ध्यान से देखा? गाइज अगर नहीं भी देखा तो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा ये वीडियो नेट पे हमेशा उपलब्ध रहेगा। जब भी आपका मन करे दोबारा से उस चीज़ को देखिए, लेकिन ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ भी लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब फोकस के साथ देखेंगे तभी उसे उतना बेहतरीन वे में परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट भी उतने बेहतरीन आएंगे। गाइज आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें, और अपने सुझावों को और कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें गाइस। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर जरूर दबा दें, क्योंकि हम आने वाले वीडियो के नए अपडेट्स मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ मिल सकें। तो गाइस बनाएं बेहतरीन सुंदर बॉडी। विश यू ऑल फिटनेस।